Hey, what's up guys? I am back. तो बेसिकली गाइस आज के स्टूडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं कैनन EOS 200D का। तो शुरू से लास्ट स्टूडियो को देखते रहिए। मैं नाम ईश्वर काबड़ा, फ्री देख रहे हो ईश्वर आई यूट्यूब चैनल। चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे है कैनन 200D का मेन बॉक्स। और गाइस यहाँ पे अगर बॉक्स के ओवरलुक की बात करें तो गाइस यहाँ पे बॉक्स में आपको मिलेगा सील पैक। और यहाँ पे अगर लिखा है कैनन की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे अगर बॉक्स के ऊपर की तरफ बात करते हैं तो गाइस कैनन का है EOS 200D। और यहाँ पे साथ में एक लेंस जो कि है 55-250 mm का लेंस। और गाइस यहाँ पे EOS 200D लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है कि डबल लेंस के साथ में आता है। गाइस अगर हम इस तरफ की बात करते हैं तो यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है कुछ नेम एड्रेस और वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है जिसे चाइना में रेबल 200 नाम के से जाना जाता है, जिसको मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया होगा। यहाँ पे गाइस बस यहाँ पे भी कुछ चाइनीज़ में लिखा है। बॉक्स के ऊपर कुछ खास से बातें ये नहीं, आगे भी दिया है सिर्फ कैनन 200D दिया गया है। यहाँ पे भी यहाँ पे प्राइस लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 16 GB कार्ड इनसाइड, मतलब कि तकरीबन 600-500 रुपये का कार्ड जो हमें 16 GB तक का अंदर ऑलरेडी हमें फ्री में देती है कंपनी। तो गाइस इसे करते हैं हम अनबॉक्स फटाक से। तो ये वेल मतलब हमने यहाँ से भी कर दिया कंप्लीट। अगर हम बॉक्स को करते हैं ओपन यहाँ से तो वेल अंदर आएगा शायद। हाँ मतलब ये कुछ पेपर वर्क है कैसे यहाँ पर, जो कि सिंपल से पेपर वर्क आता है। यहाँ पे जो भी वारंटी कार्ड है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फिर कैनन DSLR ये है गाइस यूज़र मैनुअल। यहाँ पे देख सकते हैं जिसके मैंने आपसे कहा यहाँ पे लिखा है रेबल SL2, मतलब ये चाइना में रेबल 2 के नाम से जाना जाता है और इंडिया में इसे कैनन EOS 200D कहा जाता है। तो बेसिकली गाइस ये है मैनुअल बुक। अगर आप पहली बार को DSLR यूज़ करने वाले हो मेरी तरह तो आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हो। तो इसे भी करते हैं साइट के लिए। अगर बॉक्स कॉन्टेंट की मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पे बॉक्स कॉन्टेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मे बी हो सकता है चार्जर। तो वह इसे भी देख लेते हैं इसकी क्वालिटी कैसी होने वाली है। सो गाइस ये है बेसिकली चार्जर जो कि मे बी वेयर वायर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, अच्छी है। और आप सब बताओ तो ये जाएगा हमारे मेन पावर में और ये जाएगा सीधे अडेप्टर के अंदर। तो मे बी इसके इन साइड में अडेप्टर भी होना चाहिए। और अगर मैं आपसे बताऊँ इसके बारे में तो ये मे बी हो सकता है अडेप्टर। तो इसे करते हैं फटाफट बाहर निकालते हैं। तो हाँ गाइस ये है हमारा कैमरा का अडेप्टर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे भी कैनन की ब्रांडिंग नहीं, यहाँ पे चार्ज फुल होने तो पहले लाइट हाईलाइट हो जाती है। पीछे की तरफ इसका अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसका इनपुट है 100 से 240 वोल्ट के बीच में और इसका आउटपुट आपको मिलेगा 15 वोल्ट या फिर 20। आपकी अच्छे से चार्ज हो जाएगी। अगर हम इसे करते हैं साइड के ऊपर तो मे बी ये क्या है? अच्छा तो गाइस ये हमारा मेन यूनिट है, मे बी ये हो सकता है EOS 200D है। तो इसे फिलहाल करते हैं साइड के ऊपर और पहले हम देख रहे थे बॉक्स कॉन्टेंट्स के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो ये है हमारा शायद 1855 वाला लेंस होगा। हाँ ये वही है। तो गाइस बॉक्स कॉन्टेंट्स वाओ गाइस मतलब लेंस क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और ये है 1855 वाला लेंस, मतलब 18-55 mm वाला लेंस। यप गाइस। तो गाइस अगर इसके अगर हम आगे की बात करें तो गाइस मतलब इसका भी आपको और मैं बाद में दिखाऊंगा। आपको यहीं पे लिखा हुआ कुछ हाईलाइटेड फीचर्स में जाता है जैसे ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस और स्टेबिलाइजर ऑन ऑफ। मतलब आप लेंस में से ये सारी चीज़ें यहाँ से सिंपली कंट्रोल कर पाओगे। तो गाइस ये सारी चीज़ें जैसे आप देख सकते हो। हाल फिलहाल के जैसे जो करते हैं साइट पर और गाइस बाकी चीज़ों पर नज़र डालें तो ये हो सकते हैं बैटरी का। आई होप कि बैटरी फुल चार्ज हो जिससे मैं आपको आगे कैमरे स्टार्ट करके दिखा सकूँ। तो बैटरी को भी बाहर कर लेते हैं हम फटाक से। वेल गाइस तो ये है इसकी बैटरी जो कि अंदर से हमें एक ही बैटरी मिली है। हमें भी दो बैटरी मिलती तो काफ़ी बढ़िया काम होता, लेकिन हम बैटरी को बाहर से परचेज कर लेंगे। और वन बैटरी भी काफ़ी समय तक चल जाती है। यहाँ पे है मे बी मेमोरी कार्ड ही होगा। तो गाइस जैसे देखिए गाइस मेरा प्राइस जो मैंने आपको प्राइस बताया प्राइस मैंने सही बोली 600 से 500 रुपये के बीच में। तो गाइस ये 600 रुपये का मतलब आपको ऑफलाइन स्टोर में 500 रुपीज़ तक मिल जाएगा। तो ये 16 GB का कार्ड है, 48 Mbps पर स्पीड में चलती है सनडिस्क की। तो हाल फिलहाल के जैसे भी हम करते हैं साइट पर। और गाइस ये है कैनन की स्क्रिप्ट और इसे भी करते हैं हम बाहर तो हमें पता चले तो हम निकालते हैं। तो गाइस ऑफिशियली कैनन की तरफ से मिल जाती है गाइस। और इसकी
अगर मैं ओवरऑल क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया दी गई है, तो इनसे भी बाद में करते हैं फिक्स हमारे कैमरे के ऊपर कि ओवरऑल इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। अगर बस अभी इसके अंदर नहीं भी हो सकता है हमारा बड़ा वाला लेंस जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था जो कि है एकदम तबाही वाला। तो गाइस ये है उसका बड़ा वाला लेंस, तो इसकी भी करते हैं हम फटाक से अनरैपिंग। तो इससे हम करते हैं ओपन, मतलब कि गाइस ओके। तो गाइस ये होता है 55 to 250 mm का लेंस, जैसा कि यहाँ पे देखा है आप लिखा हुआ देख सकते हो गैस 52 to 25 mm का लेंस है गैस। ऊपर ली कैनन की ब्रांडिंग है और ओवरऑल जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी सेम चीज़ें सारी है, ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस और स्टेबिलाइजेशन। और इसकी जूम क्वालिटी की अगर बात की जाए तो यह कुछ इतना जूम हो पाएगा, मतलब गैस ये काफ़ी बढ़िया है। इसकी भी आपको वीडियो क्वालिटी में आपको दिखा दूंगा। मतलब ये भी मतलब ओवरऑल गाइस ये सारी चीज़ें तबाही मचाने वाली हैं, ये हेल्प करने वाली चीज़ें हैं। अब ये है गाइस हमारा कैमरा का मेन यूनिट। ओके मतलब यहाँ पे इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आना चाहिए, इसके लिए कंपनी हमें कैनन की कंपनी ने हमें एक पेपर बैग दिया गया है भी क्लोथ्स वाला बैग। तो यहाँ पे लिखा है कैनन, यहाँ पे लिखा है योस 200D की ब्रांडिंग। वेल गाइस ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी और हाई वेट काफ़ी हल्का है गाइस, मतलब काफ़ी हैंडी है, 700D से काफ़ी छोटा है और मतलब आपके इतने हाथ के अंदर फिक्स हो जाएगा कैमरा। तो मुझे सबसे अच्छी बात और बेस्ट मेरे यूट्यूब वीडियोज़ के लिए सबसे बेस्ट चीज़ अगर मुझे यहाँ पर लगी है तो ये चीज़ है कि अगर मैं मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में इसे हम इसे फ्रंट में शूट कर पाएंगे अपने आपके वीडियोस को। तो गाइस ओवरऑल अगर मैं इस कैमरा की बात करूँ तो कैमरा मुझे पहले से बहुत पसंद है, ये कैमरा तबाही मचाने वाला है कैनन का। और अगर कैनन आप कैनन के सारे कैमरा के अंदर आपको सीमोस का ही सेंसर यूज़ किया जाता है, मतलब यहाँ पे कुछ है हमारे मैनुअल फोकसिस और ये सारी चीज़ें, ऑटो फोकस हो गया, पोर्ट्रेट मोड हो गया, यहाँ पे ऑन ऑफ, मतलब आपको ओवरऑल सारी चीज़ें आपके राइट हैंड पे ही मिल जाती है। यहाँ पे वाईफाई, ब्लूटूथ और सारी चीज़ें। और यहाँ पे लगेगा हमारा लेंस और यह शटर। तो गाइस चलिए लेंस को फटाफट से फिक्स करते हैं और बैटरी को भी इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है अंदर का इंटरफेस। तो गाइस बैटरी हमारे आखिर में यहीं कहीं पर रखी थी। ये रही हमारी बैटरी और बैटरी जाएगी मे बी इस तरफ, अच्छा यहीं पर जाएगी बैटरी। ओके मे बी ये अंदर स्प्रिंग है गाइस, तो शायद यहाँ पे सेल यूज होता हो ना। ओके ओके मतलब हम जब बैटरी को रिजेक्ट करेंगे तो बैटरी इजीली बाहर आनी चाहिए इसके लिए ऐसे, अच्छा तो इसीलिए अंदर स्प्रिंग का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे डालना होगा एसडी कार्ड, तो हम एसडी कार्ड भी साथ में डाल ही देते हैं। तो यहाँ पे यहीं कहीं पे रख, वन सेकेंड, अच्छा ये रहा हमारा एसडी कार्ड, हम इस एसडी कार्ड को भी डालते हैं इन साइड। ओके अच्छा इससे जाएगा एसडी कार्ड अंदर। ओके चलो मतलब ये तो हो गया डन डन डन। अब गाइस इसे करते हैं हम डिस्प्ले को आउट, इसे करते हैं घुमा के ऐसे और यहाँ से करते हैं कैमरा को ऑन। वेल गाइस तो मतलब कैमरा ऑन हो चुका है और यहाँ पे मुझे कुछ बेसिक सी सेटिंग करने को बोल रहा है, तो मैं फटाफट से सेटिंग कर लेता हूँ। वेल गाइस तो गाइस सेटिंग शूटिंग सब सारी चीज़ें हो चुकी है डन। यहाँ पे डिस्प्ले बटन, जब डिस्प्ले लॉक हो जाए तो आप यहीं से सारी चीज़ों को फिर से कंट्रोल कर सकते हो, मतलब ये फीचर काफ़ी अच्छा है। अब गाइस यहाँ पे बात करता हूँ तो ये टोटली टच स्क्रीन होने वाला है, मतलब आप यहाँ से सिंपली टच करके सारे वर्क जो कंप्लीट कर सकते हो, मतलब ये काफ़ी फटाफट और काफ़ी हैंडी हो जाती है इसकी यूज़। तो गाइस यहाँ पे करते हैं लेंस को फिक्स, तो हम यहाँ पे फिक्स करते हैं इस वाले लेंस को जो कि है 18 to 55 mm का लेंस। तो गाइस इसे हम करते हैं इनसाइड फिक्स, तो पहले इसे निकालेंगे और बाद में इसे निकालना है हमें कुछ ऐसे। और गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जब भी लेंस फिक्स करोगे, जब आप भी लेंस फिक्स करोगे एक आपको ये दोनों वाइट डॉट्स को मिलाना पड़ता है कुछ ऐसे और बाद में इसे घुमा देना पड़ता है कुछ टाइट करके, मतलब ये कैमरा जो फिक्स हो चुका है हम आगे से निकालेंगे इसको। और अगर गाइस मैं अब अगर आपसे कैमरा को ऑन करूँ तो जो है कैमरा ऑन, और यहीं से हम करते हैं कैमरा को क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका ओवरलुक आता है।
सो गाइस इसमें से अगर मैं फर्स्ट पिक्चर अगर मैंने क्लिक की होगी तो ये वाली होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अभी हाल फिलहाल के लिए मैं मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है गाइस। और तो मतलब गाइस ओवरऑल कैमरा की बात करता हूँ तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा कैमरा, और आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। अगर मैं आपसे बात करता हूँ अपने सेल्फीज लेने की वहाँ पे वीडियो क्वालिटी इसकी, तो आपको आगे इस वीडियो में मैं आपको वीडियो क्वालिटी भी बता ही दूंगा। तो गाइस आप जो है सिंपली यहाँ से कुछ इसे डिस्प्ले ऑन शायद यहीं से होता। ओके तो यहाँ पे शटर ऑन हो चुका है और आप यहाँ पे मुझे क्लीनली यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस यही थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप कैनन यूएस 200D या फिर 1300D लेना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जो जो कैमरास का मैं नॉर्मल यूज करता हूँ सारे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप किसी भी एक प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो उस लिंक से खरीद सकते हो। तो बस यही थी छोटी छोटी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझसे रिलेटेड किसी तरह का पर्सनल सवाल है फिर सीधे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी तो इतना ही, तब तक प्लीज टेक केयर और गुड बाय।